नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, यदि आपने भी घर में लगा रखी है तुलसी तो जरूर जाने कुछ खास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही यह परंपरा चली आ रही है कि घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी को पूजने पवित्र और देवी स्वरूप माना गया है। इस कारण घर में तुलसी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि ये बातें ध्यान रखी जाती हैं तो सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। घर में सकारात्मक और सुखद वातावरण बना रहता है, पैसों की कमी नहीं आती है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं शास्त्रों के अनुसार बताई गई तुलसी के संबंध में कुछ खास बातें। नंबर एक, इन दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी के पत्ते। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। नंबर दो, रोज करें तुलसी का पूजन। हर रोज तुलसी पूजन करना चाहिए के साथ ही यहाँ बताई जा रही सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हर शाम तुलसी के पास दीपक लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर तीन, तुलसी से दूर होते हैं वास्तु दोष। तुलसी घर आंगन में होने से कई प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी शुभ असर होता है। नंबर चार, तुलसी का पौधा घर में हो तो नहीं लगती है बुरी नज़र। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा होने से घर वालों को बुरी नज़र प्रभावित नहीं कर पाती है, साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती है, सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। नंबर पाँच, तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए घर में। यदि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी में या तालाब में या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। नंबर छः, सूखा पौधा हटाने के बाद तुरंत लगा लेना चाहिए तुलसी का दूसरा पौधा। एक पौधा सूख जाने के बाद तुरंत ही दूसरा तुलसी का पौधा लगा लेना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने से बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्थ तुलसी का पौधा ही लगाना चाहिए। नंबर सात, तुलसी है औषधि भी। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है, साथ ही आयुर्वेद में से संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो कई बीमारियों को दूर करने और उनकी रोकथाम करने में सहायक है। तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले कई सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। नंबर आठ, रोज तुलसी के एक पत्ती सेवन करने से मिलते हैं ये फायदे। तुलसी की सुगंध हमेशा श्वास संबंधी कई रोगों से बचाती है। साथ ही तुलसी के एक पत्ती रोज सेवन करने से हमें सामान्य बुखार से बचे रहते हैं, मौसम परिवर्तन के समय होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव हो सकता है। तुलसी की पत्ती सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन हमें नियमित रूप से तुलसी की पत्ती का सेवन करते रहना चाहिए।